कुंभ राशि आज पैसों की अहमियत समझेगी। सारे काम छोड़कर इस वीडियो को देखिए। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। दोस्तों आज हम आपको 10 अप्रैल की कुंभ राशि भविष्य बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस दिन आपको पैसों की अहमियत किस तरह से समझने वाली है उसी के बारे में यह वीडियो होने वाला है। साथ ही इस दिन की सामान्य राशिफल कैसे रहेगी, कौन से बातों का ध्यान रखना है, आपका धनराशिफल, लव राशिफल, करियर राशिफल और आपका स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा, सभी बातें विस्तार पूर्वक इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बात, अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर कोई परेशानी आपको बार बार सता रही है, उसका अगर हल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और कुंडली के आधार पर जानना चाहते हैं तो आप हमसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक नंबर मिल जाएगा, वहां पर कॉल कर सकते हैं अथवा व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, हमारी तरफ से रिप्लाई झट से मिल जाएगा। दोस्तों ये जो कुंडली बनाकर आपके हर एक प्रॉब्लम परेशानियों का समाधान हम करते हैं उसके लिए मेहनताना लगता है और उसी मेहनताना के लिए हम आपकी तरफ से छोटी फीस लेते हैं। तो आप हमसे अब भी संपर्क करें, आपकी सभी प्रॉब्लम परेशानियों का समाधान किया जाएगा। तो चलिए बिना गवाए जानते हैं कुंभ राशि के बारे में। दोस्तों परिवार को अभी आपकी जरूरत है, सुनिश्चित करें कि आप बात करने और सुनने के लिए तैयार हैं। निजी धन पर नजर रखें, अधिक उदार होने से मौके का फायदा उठाने की आपकी क्षमता क्षितिज हो सकती है। प्रियजनों के साथ यात्रा का आनंद लें, संगीत और भोजन आपको प्रसन्न करेगा। व्यस्त और थका देने वाले दिनों के बाद आज का दिन पार्टी के लिए उपयुक्त है, आपका उत्साह चरम सीमा पर रहेगा। अपने प्यार करने वालों के साथ समय बिताएं, क्योंकि प्रियजन हमेशा ताकत और उत्साह प्रदान करते हैं। एक कमजोर इंसान तब रुकता है जब वह थक जाता है, जबकि विजेता तब थमता है जब वह जीत जाता है। अगर हम सामान्य राशिफल की बात करें तो अभी आप आत्मनिर्भर महसूस कर रहे हैं, अकेले रहने के लिए समय निकालें। पारिवारिक चिंताएं जो शायद दादा दादी से जुड़ी हुई हैं आपके दिमाग में होगी, आराम करें और सपने या अपनी अवचेतना द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान को देखें। अपनी देखभाल में बिताया समय हमेशा अच्छा गुजरता है। खुद पर विश्वास और प्रियजनों का प्यार आज आपको ऑफिस में प्रशंसा का पात्र बनाएगा। कर्तव्यों और दायित्वों के बीच एक प्रेम और नफरत जैसा संबंध है, इसलिए सब्र से काम लें। अगर आप चाहे तो आत्मविश्वास और परिश्रम के सहारे भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमें भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां भाग्य स्वयं लिख देती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको कौन से बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में। अगर आप नौकरी करते हैं तो दफ्तर में आपको विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, हो सकता है आप नौकरी बदलने का विचार भी करें। हालांकि इस तरह के फैसले आपको जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, बेहतर होगा आप ठंडे दिमाग से काम लें। अगर आप व्यापारी हैं तो अपनी अटकी हुई व्यावसायिक योजनाओं को दोबारा शुरू करने के लिए दिन बहुत ही अच्छा है, आपको सफलता भी मिल सकती है। पैसों की स्थिति में सुधार आने की प्रबल संभावना बन रही है, धन लाभ का योग बन रहा है। निजी जीवन की बात करें तो घर का वातावरण काफी अच्छा रहेगा, परिजनों के साथ दिन हंसी खुशी में गुजरेगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपने वैवाहिक जीवन पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। सेहत की बात करें तो दांतों से जुड़ी कोई तकलीफ आज आपको हो सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि पैसों की अहमियत आज के दिन आपको किस तरह से समझ आएगी उसके बारे में जान लेते हैं। इतने दिनों तक आप पैसों को बिना देखे बिना सोचे उड़ाते रहे हैं, लेकिन पैसों की असली अहमियत आप अब तक नहीं समझ पाए हैं, लेकिन आज के दिन आप पैसों की असली अहमियत को समझ पाएंगे और पैसों को बहुत ही सोच समझ कर खर्च करेंगे और उसी के चलते आगे आपकी आर्थिक परिस्थिति भी सुधरने वाली है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आपका लव राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। तन्हाई या अकेलेपन से बचने के लिए अपने दादा दादी के साथ समय बिताएं, अपने और अपने प्रियतम के बीच में दूरियां ना आने दें। धोखे या ठगी से बचने के लिए
अपनी शोना की सलाह अवश्य लें। ध्यान रखें, रिश्तों में मनमुटाव होना स्वाभाविक है, बस समय रहते इन्हें दूर कर लें। आज आप अपनी चाहत और मोहब्बत को अपनी सूची में पहले स्थान पर रखने वाले हैं, किंतु इससे आपका जरूर काम स्थगित हो सकता है। अपनी अतिरिक्त देखभाल और लव से आप यह साबित कर देखेंगे कि आप एक अच्छे महबूब हैं। आपके सितारे यह बता रहे हैं कि अपने साथी के साथ आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं आपका धनराशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आज दीर्घकालिक निवेश ना करें, आप धोखे का शिकार हो सकते हैं। व्यवसाय या नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो यह समय उचित है। अपने विकास के लिए नए कार्य और नए अवसरों को खोजें। दान करने या नॉन प्रॉफिट संगठनों के साथ काम करने में भी आपकी रुचि हो सकती है। आपके सितारे पहले की तुलना में अधिक उज्ज्वल हैं, क्योंकि सफलता और प्रसिद्धि दोनों आपके दरवाजे पर खड़े हैं। अब आपकी सभी योजनाएं आपके जीवन की बेहतरीन योजनाएं साबित हो रही हैं। आपको अन्य लोगों की भी पूरी मदद मिलेगी। खुद पर विश्वास रखें, आप साधारण को भी असाधारण में बदल सकते हैं, बस कुछ करने की हिम्मत करें। दोस्तों, अब बात करते हैं आपका करियर राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आज आपको व्यावसायिक सफलता मिल सकती है। विदेशी संबंधों से लाभ संभावित है। अगर अपने काम से संबंधित विदेश में आप किन्हीं लोगों को जानते हैं तो देखें कि उन लोगों के द्वारा आपको कौन से व्यावसायिक अवसर मिल सकते हैं। अगर आपको कोई अवसर मिले तो उसके बारे में सोचें, विचार जरूर करें, यह आपके लिए लाभकारी हो सकता है। अगर आपका खुद का व्यवसाय है तो हो सकता है कि आपको विदेश से कोई अवसर मिल जाए। यह अवसर आपके उत्पाद या सेवा को एक नई दिशा में ले जाएगा। इस दिशा में कदम आगे बढ़ाएं। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं आपका स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आज आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा, छोटी छोटी बीमारियों से बचें। आपको सिर से संबंधित कोई चोट लग सकती है, इसलिए गिरना, फिसलना या फिर किसी भी दुर्घटना से बचने की कोशिश करें। आपको ख्याल रखना होगा कि जहां भी आप चल रहे हैं अपना पैर जमा कर चलें, ताकि आप किसी भी तरह के हादसे या फिर परेशानी से बच जाएं। किसी भी उबड़ खाबड़ रास्ते पर चलते समय आपको सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से आपका जो कि कुंभ राशि भविष्य रहने वाला है। वीडियो सच में अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करेगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के संग शेयर करेगा और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, ताकि इसी तरह राशिफल के रिलेटेड वीडियोस आपको हर रोज मिलती रहे, जिससे आने वाले दिनों के बारे में आप पहले से अनुमान भी लगा सकते हैं। तो आज के शुरू में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।